काफी लोगों ने यहाँ पर काफी लोगों का तारीफ कर रहा था। मैं सबसे पहले तारीफ करना चाहूंगा मिसेस यूके सिंह को कि क्या है, हम लोगों का आदत है ऐसा फंक्शन करने नहीं करने का। ऐसा फंक्शन में जितना हम लोगों का रोल रहता है उतना उससे ज़्यादा रोल वहाँ के महिलाएं, खास करके वहाँ का मिसेस जीएम और बाकी उनके जो ऑफिसर्स हैं उनका महिलाएं बड़ा टेंशन में रहते हैं, क्योंकि एक वीआईपी मैडम को संभालने में ही काफ़ी परेशानी होता है। बुरा मत मानिया, और इतना वीआईपी मैडम लोग आ रहे हैं उनको संभालना बहुत बड़ा काम है, क्योंकि हम इस दौर से गुजर चुके हैं इसीलिए हम उसको महसूस करते हैं। तो उसके लिए विशेष रूप से जितना कुसमुंडा क्षेत्र के सभी महिलाएं इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं उन लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन। आज के इस फंक्शन में आए हुए परम आदरणीय मैडम सरकार और परम आदरणीय श्री सरकार साहब, मैडम सिन्हा, श्री सिन्हा साहब, श्री साहू साहब, मंच पर विराजमान सभी सम्मानित महिलाएं, हमारे वरिष्ठ अधिकारी, सभी संगठन के सभी यहाँ के हमारे नेतागण और सामने बैठे हुए सम्मानित महिलाएं, मेरे दोस्तों, प्यारे बच्चों और प्रेस मीडिया के बंधु, अभी सिन्हा साहब हमारे बगल में बैठे हुए थे, बहुत देर से एक चीज का जिक्र कर रहा था। देखिए रेड्डी साहब, हम लोग तो 6 घंटा बैठने में सुनने में आदत है, मैडम लोग इतना पेशेंटली बैठे हैं इसके लिए पेशेंस प्राइस डिक्लेयर होना चाहिए। सर हम आपसे सहमत हैं और इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं, क्योंकि ये पूरा फंक्शन का अगर रौनक बढ़ा है यहाँ के सभी महिलाओं के वजह से, तो उन लोगों के लिए हमारे तरफ से फिर एक बार विशेष रूप से धन्यवाद। सब लोग कहने के बाद भी फिर एक बार कुछ कुछ चीज मैं रिपीट करना चाहूंगा। इस साल S.E.C.L 144.7 मिलियन टन कोयला करके पूरा कोल इंडिया के अंदर में अपने प्रथम स्थान फिर कायम कर लिया है, जिसके लिए सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। ये ऐसा संभव होने वाला चीज नहीं है, इसमें हर एक यहाँ के परिवार के सदस्य, हमारे सभी संगठन के प्रतिनिधि, खास करके इस कोलफील्ड में, कोरबा कोलफील्ड में आप लोग सब जानते हैं 90% जो भी उत्पादन होता है हमारे कॉन्ट्रैक्टर से होता है, वहाँ के जितना मजदूर और उसके अलावा और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ के हमारे आसपास के ग्रामीण बंधु लोग, जो अपना जमीन दे के हमारा खदान को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, और इतना व्यवस्था को बना के रखने वाले हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, खास करके कलेक्टर साहब, एसपी साहब, उनके सब लोगों के सहयोग से ही हम लोग इस मुकाम पर पहुंच पाते हैं। उस सब लोगों को मेरी तरफ से तहे दिल से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। यहाँ पर एक चीज काफी देर से जो चर्चा हो रहा था, जितना भी प्रयास करते हैं हम लोगों का एक्सीडेंट कम नहीं हो पा रहा, ये बात सही है। इसका एक मूल कारण जो मेरे को समझ में आता है वो है डिसीजन मेकिंग। देखिए कोई भी हादसा होने या नहीं होने में बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस नहीं है, मगर वहाँ पर जो आदमी, वहाँ पर जो मौजूद रहता है, वो जो निर्णय लेता है उसके ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। परिस्थिति भले वहाँ पर आरक्षित असुरक्षित बनाया हो, मगर उस इंसिडेंट को टाल सकते हैं वहाँ के आदमी उस क्षण में जो सही डिसीजन ले। हम लोगों में वो डिसीजन लेने में जो कॉम्प्लेसेंसी होता है वो बड़ा खराब चीज़ है, क्योंकि हर एक
आप एक्सीडेंट को गॉड का एक्ट नहीं मान सकते हैं। ये एक दो गैलरी ज्वाइन होने में ब्लास्टिंग में अगर एक्सीडेंट होता है ये प्योरली ह्यूमन फेल्यूर है और उसके लिए हम लोग सही डिसीजन नहीं ले पाए। सेकंड एक मेरा इश्यू है, हम लोग कितना भी उत्पादन बोलते हैं पर उत्पादन करने के लिए प्रयास करते हैं उसके लिए जो संसाधन चाहिए, अभी जो बातचीत हो रहा था सही मानने में लैंड हो या टेक्नोलॉजी हो यहाँ का ट्रेनिंग हो, जब तक उसको पूरा ना करें हम लोग प्रोडक्शन में आगे भागते हैं वो सब पीछे पीछे आते रहते हैं अपने अनुभव को लेके, वो अनुभव के साथ हम लोग उसका निराकरण करने के लिए कोशिश करते हैं। मगर जिस तरीका से लक्ष्य आगे बढ़ते जा रहा है ये सोचने में हम लोगों को आज बहुत मजबूरी है कि टोटल सिस्टम को सेफ्टी सिस्टम को डेवलप करना पड़ेगा, हम लोगों का माइंड सेट पूरा सेफ वे में चलना पड़ेगा तभी जाके इस ट्रेंड को रोक सकते हैं। हमारे पास जो आदमी काम करने वाला है बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में काम कर सकते हैं। आज जितना सेफ्टी सिर्फ एक एक्सीडेंट या चोट लगने तक नहीं सीमित नहीं रहा, हेल्थ के ऊपर परिवार के हर एक हिस्से के ऊपर इसका पूरा प्रभाव है। इस फील्ड के अंदर में ये बात सही है, हम लोग डस्ट के लेके काफी परेशान हैं, यहाँ का रोड्स के बारे में लोग कहा है। हाल में ही हमने ये काम किए हैं यहाँ पर कोरबा के अंदर में, यहाँ का चारों जीएम साहब लोग और हेडक्वार्टर के दो ऑफिसर को हम लोगों ने एक टीम बनाया। आप ऐसा योजना बनाओ कि जो भी ट्रक है जो भी है पहली बार टाउन के अंदर में एंट्री ना करे, ऐसा कोई हम लोग बाईपास रोड बना दे ताकि यहाँ के लोगों को उससे राहत मिले। मेरे ख्याल से अगला एक हफ्ता 10 दिन में वो लोग आएगा। ऑलरेडी हम कोल इंडिया से बातचीत कर चुके हैं कि इसके ऊपर एक योजना बना दे, ऐसा रोड वर्क नेट बना दे, इसको इस प्रॉब्लम से हम लोग मिनिमाइज कर दे। दूसरा एक है कि अपना जो कोरबा फील्ड का जो प्रोडक्शन आज जो हम लोग 105 106 मिलियन कर रहे हैं ये जाने वाले 150 160 मिलियन के लिए, इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो चीज़ हमको जितना जल्दी हो सके डेवलप कर ले ताकि ये जो ट्रक ये जो कॉन्ट्रैक्टर का जितना भी ये समस्याएं हैं ये सब समस्या मिनिमाइज हो जाए। तीसरे एक बात हुआ, ये बात सही है, आज के दिन में कॉन्ट्रैक्टर का खास करके हमारा जो मजदूर है उनका जो एक्सीडेंट रेट बढ़ रहा है इसके बारे में काफ़ी ऊपर लेवल में इस टाइप का चर्चा भी है और बहुत जल्दी हो सकता है हम लोगों का NIT में भी आ जाएगा कि कैपेसिटी ऑफ द इक्विपमेंट कि ये जो छोटे छोटे डंपर टिप्पर छोड़ के कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो और इसमें बड़ा इक्विपमेंट हो ताकि मैन पावर का रिडक्शन हो और सेफ्टी सिस्टम्स को अच्छा हम लोग इंट्रोड्यूस करें, ये हम लोगों का प्रयास भी है और बहुत जल्दी भी है आने वाला है। इसके अलावा दो चार इश्यूज जो हमारे माननीय नेतागण ने उठाया था उसके पहले एक चीज़ बता दूं, मेरे को मात्र 6 मिनट ही टाइम दिया है, मैं कोशिश करता हूँ 6 से 10 मिनट के अंदर में कंप्लीट करने के लिए क्योंकि शेड्यूल में लिखा है 6 मिनट टाइम। तो हमारे नेतागण ने दो चार पॉइंट उठाए हैं उसमें दो तीन के बारे में मेरा जानकारी है, मैं उसको जानकारी दे दूँ। सबसे पहला जो स्टैचुटरी मैनवर की बात हुआ तो हम लोगों का DP साहब और DTO साहब के प्रयास से जितना माइनिंग सरदार चाहिए मेरे ख्याल से उतना का ऑलरेडी हम लोगों ने सिलेक्शन कर चुके हैं बोथ डिपार्टमेंटल और बाहर से भी, जो भी फॉर्मेलिटीज मेरे ख्याल से या हो गया है या फाइनल स्टेज में है उसको हम लोग कंप्लीट कर देंगे। जहाँ तक अंडर मैनेजर की बात जो हुआ था 175 वाला बात सही था कि 175 का उस DPC का चेयरमैन हम खुद थे, जिस दिन यह घोषणा हुआ उसका दूसरा तीसरा दिन हम कलकत्ता भी गए थे DPC करके हम फाइनल करके हम सबमिट करके भी आए हैं। इसमें एक छोटा सा इश्यू कुछ आया है उसका क्लैरिफिकेशन ले रहे हैं चेयरमैन साहब से कि उसमें 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो क्लैरिटी नहीं था। मेरे ख्याल से वो बहुत जल्दी 2-4 दिन में हो जाएगा, वो जो 175 आदमी का ऑर्डर बहुत जल्दी निकलने वाला है, ये फाइनल हो चुका है इतना मैं आपको जानकारी दे सकता हूँ। दूसरी बात हुआ कॉन्ट्रैक्टर वर्कर का 5 लाख देने का, ये बात सही है, एक दो फोरम में इसके बारे में चर्चा भी हुआ, ये बार माननीय मंत्री जी ने डिक्लेयर भी किया है। इसी उपलक्ष्य के अंदर में क्या होता है कि हम लोग कोई भी निर्णय लेते हैं एक तो ऑन द स्पॉट लेना, दूसरा उसका कुछ गाइडलाइंस बनाने की जरूरत पड़ता है। शायद ऑलरेडी चेयरमैन साहब ने आदेश दिया है, एक CMD साहब का एक छोटा सा कमिटी बनाया, वो 5 लाख देना है तो हम लोग को क्या क्या चीज़ देखना चाहिए, कोई भी चीज़ के बारे में कुछ
कंडीशंस रहता है कि भाई उसका अटेंडेंस होना चाहिए, फॉर्म बी में होना चाहिए, जो भी है उसको देख लेना है, वो चीज़ के बारे में है। मेरे ख्याल से बहुत जल्दी इसका भी फैसला होके एक सर्कुलर टाइप निकलने वाला है। तीसरा चीज़, लोगों ने ये कहा कि कॉन्ट्रैक्टर वर्कर डे बाई डे बढ़ते जा रहे हैं, उनको हाइपर वेजेस हम लोगों को नेता लोगों ने इतना फाइट करके दिलवा दिया, आज भी उस गरीब आदमी को वो पैसा पूरा नहीं मिल रहा है। इसमें पूरा मैनेजमेंट को और हमारे नेता लोगों को भी ये प्रयास करना चाहिए, ये बात गलत है। वो आदमी ने मेहनत किया, उसको पैसा मिलना चाहिए। और जो जो चीज़ बता दिया है कि उन्होंने पैसा पेमेंट करता है वापस ले लेता है, हमने हमारे बहुत सारे महाप्रबंध को यह अपना आदेश भी दे चुका हूँ कि ऐसा कोई भी चीज़ आपको जानकारी में मिलता है उस वर्कर को निकाल दीजिएगा। ये भी करके देख लिया आप लोगों ने, सही बोल रहे थे लोग कि उसको दूसरे दिन काम से निकाल देता है। ऐसा एक दो कॉन्ट्रैक्टर जो करता है, हमारे कहने के उसको ब्लैकलिस्ट कर दीजिए, हमसे कोई चीज़ चाहिए तो आप ले लीजिए, ताकि उसको दोबारा काम ना मिले। दूसरी क्यों, जब एस्टिमेट में उसको इंक्लूड कर दिया, उसको पैसा मैनेजमेंट देने के लिए तैयार है, वर्कर को क्यों नहीं मिलेगा? हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो भी अधिकारी है, सर हम तो देखिए ना मेरे पास रिकॉर्ड है, हम उसको तो पैसा तो दे चुके हैं। और ये भी हमारे नेताजी मेरे पास आके खबर देते हैं, सर वो दे तो दिया, ATM लेके पैसा वापस ले। ये थोड़ा सा वही जमाना हो गया जो हम लोगों का नेशनलाइजेशन का पहले की बात थी। लोग हम यही सुनते थे कि काउंटर में जब पेमेंट होता था वो पेमेंट लेता नहीं बेचारा, ये खींच के लेता था। लोग सोचे बैंक में पेमेंट होगा तो ये स्थिति नहीं आएगी, वो हमारे वर्कर के साथ में था। आज कम से कम हमारा वर्कर उस बात से सुरक्षित है, बट कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का सेम परिस्थिति आ गया। तो हम लोग सब मिलके इसको इंश्योर करना चाहिए उस आदमी को वो पैसा मिले। मैं इतना ही कहूँ, एक या दो कॉन्ट्रैक्टर को अभी अच्छे से रगड़ दीजिएगा, दोबारा ये काम नहीं करेगा। ये खास करके बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्टर के साथ में नहीं होता है, छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्टर जो अंडरग्राउंड में काम करता है, लोकल आदमी है, वो आदमी इस टाइप का चीज़ करता है। एक और एक पॉइंट, बहुत ही संवेदनशील पॉइंट सब लोगों ने बताया, अगर आप हमसे, मेरा दो रोल है, एक तो हम एक BRAD भी है, दूसरा CMD। अगर BRAD का हैसियत देखिए, मेरा पूरा सहानुभूति है कि जो आदमी देख नहीं सकता है, जो आदमी बेड पे है, उसको हम लोग ना फिट करते हैं ना अनफिट करते हैं। और ऐसा बात नहीं है कि इन्होंने 2-3-4 का नाम बताया, मेरे ऑफिस में 2-4 आ चुके हैं, हमसे मिल चुके हैं। उसमें मैं किसी को दोष तो नहीं दूंगा, अभी तक तो हो रहा था, कुछ महीने तक तो हो रहा था, पिछले 2-4 महीने से किसी कारण से नहीं हो रहा। ये जिम्मेदारी है टोटल मैनेजमेंट का, एज वेल एज हमारे जितना नेता है उनका भी उतना ही जिम्मेदार है इसमें। मतलब ये किसी के दोस्त के हिसाब से नहीं बता रहा, दोनों मिलके ये समस्या को जितना जल्दी हो सके हल करना चाहिए। जो मिलना है उस आदमी को राहत करना चाहिए। ये बात भी सही है, कहीं कहीं उनको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के अंदर में कोई कोई मैनेजमेंट मदद करता है, बट ये बात भी सही है कुछ लोग उससे वंचित भी हैं। तो मैं भी अपनी तरह से प्रयास करूँगा, आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि जितना जल्दी हो सके इस समस्या का समाधान कर दे, ताकि या उसको घर भेज दे या नहीं तो जो भी उसका प्रावधान है उसके हिसाब से कर दे। और एक जहाँ तक सेफ्टी इक्विपमेंट की बात है, सभी चीज़ तो DDO साहब ने बता दिया और ये बात बिल्कुल सही है, मैं भी 2 बार यहाँ से बता चुका हूँ, LED कैप लैंप नहीं खरीद पाए हैं, उसका एक विशेष कारण है, बट फिर भी उम्मीद है कि ये बार वो खरीद पाएगा, क्योंकि उसमें जितना अड़चन थे वो सब अड़चन हम लोग पार कर दिया। तो अभी सिन्हा साहब से हमारा यही बात हो रहा था, हम लोग एक सेफ्टी वीक का फंक्शन, दूसरा मे फर्स्ट वीक का फंक्शन से थोड़ा नर्वस होते हैं, क्योंकि साल भर हम लोग घर में बड़ा पैतरा देते हैं, हम ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, यहाँ पर आके थोड़ा बहुत हवा निकल जाता है। तो मैडम लोग बोले आप तो यार बड़ा बोलते थे, ऐसा वैसा करते, पता लगा इतना कमी आप लोगों में है। तो दोनों को भी एक होता है कि घर में भी नहीं है, बाहर भी लोगों के साथ में कुछ कुछ कमियां हैं, और कुछ कुछ हमारे मैडम लोग मुस्कुराते भी हैं, चलो और भी तो कोई है उन लोगों को थोड़ा रैगिंग करने वाला। तो रैगिंग को हम लोग रैगिंग नहीं लेते हैं, ये हमारा आपस की एक नोक झोंक है, चलते रहता है। मगर एक चीज़ विशेष रूप से बता दूँ, आज SECL जिस स्थान में है, जितना मैनेजमेंट और यहाँ का कामगार, यहाँ का सभी स्टेक होल्डर जिम्मेदार है, उससे ज़्यादा रोल है हमारा यहाँ के सभी संगठन के प्रतिनिधि। हम जानते हैं उनके साथ में हर एक मीटिंग में बैठते हैं, जो भी समस्या आता है, जो भी हम अपना प्रस्ताव रखते हैं, बहुत अच्छी तरीका से वो लोग उसका समाधान निकालते हैं।
और एक खासियत है हमारा S.E.C.L का, जितना भी यहाँ का सभी का, सेफ्टी का हो, JCC का हो, वेलफेयर का हो, जो भी हमारा नेता है, जब S.E.C.L का बाहर जाते हैं वो S.E.C.L के बारे में हमेशा बहुत ही ऊंचा कहते हैं। हाल में एक मीटिंग में यहाँ तक कर दिया हमारे नेता लोगों ने, बताया एक फोरम में कि किसी कंपनी का बेस्ट जो है हमारा S.E.C.L का वरस्ट है। तो इससे ये हुआ, माननीय मंत्री जी ने वहीं पर घोषणा दिया कि लगता है हमको S.E.C.L को एक बार जाके देखना पड़ेगा। ये हम लोगों का महानता है। तो हम यही उम्मीद करते हैं आगे सभी हमारा जितना स्टेक होल्डर, खास करके मैनेजमेंट और हमारे यहाँ के संगठन के सभी प्रतिनिधि, हमारे वर्कर एक टीम बन के आगे बढ़ते रहे S.E.C.L को हर एक रास्ते में, प्रगति मार्ग में अपने एक पहला स्थान कायम रखते रहे। आप सब लोगों को मेरी तरफ से, पूरा S.E.C.L की तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आयोजन जो किया है मिस्टर UK सिंह, GM कुसमुंडा एरिया, और उसका सभी अधिकारी और सभी कर्मचारी जो इस ये एक आयोजन को इतना भव्य रूप में दिया, जो हम लोग सोच रहे थे कि कहीं बीच में ज़्यादा लंबा हो जाएगा, होते जा रहा था मगर समझ में नहीं आ रहा था। बीच में DG साहब हमको बोल भी रहे थे, देखिए रेड्डी साहब ये तो लिखा नहीं है, फिर भी वो दिखा रहा, तो लोगों को हमको समझ में नहीं आ पा रहा था कि ये लिखा हुआ दिखा रहा है या अपना ही दिखा रहा है। बट इतना मेच्योर्ड है GM साहब, वो धीरे से आके पूछ रहे थे, सर ये 2 मिनट का प्रोग्राम है देख लीजिए, मगर अभी हमको महसूस हो रहा है अगर हम ना हाँ ना बोलते इतना अच्छा प्रोग्राम देख नहीं पाते। फिर एक बार आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। जय सुरक्षा, जय S.E.C.L, जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महोदय, आपके इस प्रिय वचनों से निश्चित रूप से हम सबका संबल बढ़ा है।